लास्ट सेशन के अंदर देखा था आपने पास सेक्शन ऑफ एल्युमिनियम के अंदर हॉल्स मेथड, वहीं से कंटिन्यूटी दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग मेथड्स हैं फॉर द प्योरिफिकेशन। हमारे पास हॉल्स मेथड है, बैरट्स मेथड है और सर्पेक्स मेथड है। इन तीनों मेथड्स के अंदर क्वालिटीज क्या है, व्हेन वी हैव एन इंप्योरिटी इन अ मेजॉरिटी ऑफ द Fe2O3 एंड SiO2 तो हम इस्तेमाल करते हैं हॉल्स मेथड, लेकिन जब हमारे पास इंप्योरिटी में मेजॉरिटी में Fe2O3 मौजूद होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं बैरट्स मेथड। काफी हद तक सिमिलर है बट इट्स डिफरेंट इन सिंगल स्टेप। सबसे पहले स्टेप में हम अपने पास बैरट्स मेथड के अंदर क्या करते हैं, ओर लेते हैं, जो हमारे पास बॉक्साइड ओर है उसे हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब इस मोमेंट के ऊपर हमें टेम्परेचर को रखना है अबव 1600 क्योंकि हमें सफ्यूज कराना है, और यहाँ पर हम पाउडर्ड वुड लेते हैं उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, डील करते हैं सोडियम एल्युमिनेट और साथ साथ इंप्योरिटीज सेपरेट हो जाती है। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ इंप्योरिटीज एक बात यहाँ नोट की गई है, रिमेनिंग स्टेप्स आर सेम एज द हॉल्स मेथड, बाकी सारे स्टेप्स हॉल्स मेथड की तरह ही रहेंगे। क्या आप सेकेंड स्टेप के अंदर इसे जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, और वाटर के साथ रिएक्शन में आप 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर को डाउनफॉल पे लेकर आएंगे, तब जाके आपके पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और फिर आपके पास लास्ट स्टेप में इसे हीट करेंगे अबव या ऑलमोस्ट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब आपके पास एल्युमिना हासिल हो जाएगा। नाउ वी हैव अनदर मेथड व्हिच इज द सर्पेक्स मेथड। अच्छा, इस मेथड के अंदर मेजॉरिटी में इंप्योरिटी जो होगी वो SiO2 होगी, लेकिन माइनॉरिटी में Fe2O3 मौजूद होगी। मतलब मेजॉरिटी डजंट मीन दैट कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ Fe2O3 होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ SiO2 होगा, इसके अलावा भी दोनों चीजें मौजूद होंगी लेकिन माइनॉरिटीज में। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास इन द फर्स्ट स्टेप ओर को लेंगे, कंसेंट्रेटेड जो आपके पास ओर है उस ओर को लेंगे, उसे रिएक्ट कराएंगे कार्बन और नाइट्रोजन के साथ, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर एक डिफरेंट है। सब में टेम्परेचर के अमाउंट में कुछ फर्क है, यहाँ हम अप टू 1800 डिग्री सेंटीग्रेड लेके जाएंगे ताकि ओर इजिली हमारे पास टेम्परेचर के हिसाब से मेल्ट हो जाए और हम अपने पास जनरेट करेंगे एल्युमिनियम नाइट्राइड, और उसके बाद हमारे पास आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ निकलते हुए हम जब इसे AlN को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, फिर हमें वही सेकेंड स्टेप में करना है कि हमारे पास टेम्परेचर 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, हम उसे डाउनफॉल पर लाएंगे और लाएंगे अपने पास 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ताकि हम हासिल कर सके अपने पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ साथ अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास हासिल हुआ है, इसे आप हीट करना स्टार्ट करेंगे एट अबाउट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास लिखा गया प्योरीफाइड बॉक्साइड ओर, जिसे आप एल्युमिना का नाम भी देंगे या एल्युमिनियम ऑक्साइड का नाम देंगे, वो हमारे पास जनरेट हो जाएगी। सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम व्हिच इज द प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइड ओर। आप हर स्टेप में देख रहे हैं कि आपके पास इम्प्योरिटीज सेपरेट हो रही है, ओर के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज थी Al2O3 यानी कि एल्युमिना जो है उससे सारी इंप्योरिटीज को आपने साफ कर दिया। इन दी एंड हर मेथड में Al2O3 आपके पास बचकर आ जाएगा, व्हिच इज नोन एज द एल्युमिना। जज़ाकअल्लाह।